हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। तो दोस्तों, कल का वीडियो तो देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर, इन्वेस्टर क्या होता है और ट्रेडर क्या होता है, और ऑलमोस्ट सब कुछ जाना, इन्वेस्टर क्या देखता है, ट्रेडर क्या देखता है, इन्वेस्टर क्या सोचता है, ट्रेडर क्या सोचता है, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी मन बना लिया होगा कि आपको एक इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है या दोनों ही बनना है। तो अगर आप मन बना चुके हैं अपना, और आपका मन ट्रेडर बनने का या इन्वेस्टर ट्रेडर दोनों बनने का है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर के क्या क्या टाइप होते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, हम हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दूं, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जो फोकस करता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऊपर। हमने एक सीरीज शुरू करी है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग सिखा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप एक बिल्कुल बिगनर है, आपने आपकी एक नई शुरुआत है स्टॉक मार्केट में, आप जाकर प्लेलिस्ट में हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको एक कंटिन्यूस लर्निंग मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ ट्रेडर। उनकी एक्चुअली ट्रेडिंग स्टाइल से ही उनका टाइप पर चलता है कि उनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो हम यहाँ जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर आप और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ट्रेडर तो बनना है बट किस तरह का ट्रेडर बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो तीन तरह के मेनली ट्रेडर होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर। आगे चलते हैं, इनके बारे में एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पोजिशनल ट्रेडर के बारे में जानते हैं दोस्तों। फोकस ऑन बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। जो पोजिशनल ट्रेडर होता है ना, उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स जानना भी इम्पोर्टेंट है और कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस जानना भी इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि वो किस कंपनी में पोजीशन बनाएगा, वो कंपनी कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, तो मैंने कल इन्वेस्टिंग वर्सेज ट्रेडिंग वाली वीडियो में एक ब्रीफ दिया है उसका, आप जाके समझ सकते हैं। बाकी यहाँ भी एक ब्रीफ दे दूँ, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के बिजनेस को समझना, उसकी ग्रोथ को समझना, उसके कंपटीशन को समझना, उसकी कंपनी के मैनेजमेंट को समझना, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू सिस्टम को समझना फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। टेक्निकल एनालिसिस होता है कि आप कंपनी के चार्ट को समझिए, उसके चार्ट पे क्या फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ पे उसका प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और एक पोजिशनल ट्रेडर को दोनों ही समझने पड़ते हैं, क्योंकि वो लंबे समय के लिए ट्रेड बनाता है, वो ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं बनाना चाहता लंबे समय के लिए जो स्टॉक फंडामेंटली वीक हो। टेक्निकल एनालिसिस वो इसलिए समझता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसे कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ तक रुकना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे लॉस बुक करना है। इसके लिए उसे टेक्निकल एनालिसिस का सारा लेना पड़ता है। मोस्टली वर्किंग पीपल, देखिए दोस्तों, पोजिशनल ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड तो आपने एक बार डाल दी तो डाल दी, फिर आपको और तो कुछ करना नहीं है, आपको वेट करना है कि आपका टारगेट आपको मिल जाए या आपका स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, आपको जो लॉस लेना है वो लॉस ले लें आप। तो उसके लिए आपको एक बार और डाल दी, तो फिर वो ट्रेड डालती, तो उसके लिए आपको आई थिंक कुछ महीने तक वो ट्रेड चलती है। तो आप उस समय में क्या करेंगे, आप एक्चुअली में कुछ और कर रहे होते हैं, कोई जॉब या बिजनेस कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आप एक पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो उसे पोजिशनल ट्रेडर कहते हैं। सो एक्चुअली में पोजिशनल ट्रेडर का प्राइमरी जॉब ट्रेडिंग नहीं होता, स्टॉक मार्केट नहीं होता, उसका प्राइमरी बिजनेस प्राइमरी जॉब कोई और होता है, वो पार्ट टाइम ट्रेड कर रहा है। टेक पोजिशन फ्रॉम वीक्स टू मंथ, जो एक पोजिशनल ट्रेडर होता है वो ऐसा नहीं है कि आज ट्रेड लेगा और आज शाम तक काट देगा या कल सुबह निकल जाएगा उससे ट्रेड से, वो पोजिशन बनाता है फॉर वीक्स टू मंथ्स, कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, और उसका व्यू लंबा होता है, वो दूर का व्यू लेता है, इसलिए वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करता है। पेशेंस इन नेचर, उसका नेचर बहुत पेशेंस होता है, वो बहुत बहुत जल्दी से अपने पेशेंस लूज नहीं करता है, वो वेट करता है,
उसके स्टॉक को वर्क करने के लिए जगह देता है, क्योंकि स्टॉक की एक आदत होती है, एक नेचर होता है किसी भी स्टॉक का, स्टॉक मार्केट का, कि वह सीधा सीधा ना ऊपर जाता है ना नीचे जाती है। स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर भी जाएगी तो बीच में नीचे भी आएगी, नीचे जाएगी तो बीच में ऊपर भी आएगी, इसी तरह से फ्लो करती है स्टॉक मार्केट। तो उसमें पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। एक पोजिशनल ट्रेडर के अंदर बहुत पेशेंस होते हैं, वो वेट करता है अपना राइट टाइम आने का कि उसे कब इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना है, कब लॉस बुक करके निकल जाना है। मोस्टली ट्रेड इन इंडेक्स और हाई लिक्विड स्टॉक्स। जो एक पोजिशनल ट्रेडर होता है वो, उसको लिक्विडिटी को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, या तो मोस्टली इंडेक्स में ट्रेड करता है। दोस्तों इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिम निफ्टी, इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप बायो बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देखिए अगर आपको नहीं पता इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और इंडेक्स क्या होते हैं। पोजिशनल ट्रेडर इंडेक्स मोस्टली इंडेक्स में ट्रेड करता है क्योंकि इंडेक्स स्टेबल होते हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं हम, हाईली लिक्विड होते हैं, या फिर वो टॉप लिक्विड स्टॉक्स में डील करता है, जैसे कि टॉप 50 स्टॉक हो गए इंडिया के, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, हाईली लिक्विड स्टॉक्स या फिर इंडेक्स में ट्रेडिंग करता है। 1 to 2 ट्रेड्स इन अ मंथ, मतलब एक दिन में एक या दो ट्रेड ही होगी दोस्तों, क्योंकि क्या है, दो ट्रेड भी तब होगी जब किसी वजह से उसको पहली ट्रेड से निकलना पड़ गया, चाहे बहुत जल्दी प्रॉफिट हो गया, बहुत फास्ट मूवमेंट आ गई, प्रॉफिट मिल गया, टारगेट मिल गया, या किसी वजह से लॉस हो गया तो उसे दूसरी ट्रेड लेनी पड़ेगी। वरना मोस्टली पोजिशनल ट्रेडर एक ही ट्रेड लेता है एक मंथ के अंदर, वो वीक्स टू मंथ के लिए उस ट्रेड को रखता है, तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी पड़ती। इससे एक बहुत फ़ायदा होता है पोजिशनल ट्रेडर को, वो जब आप किसी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, हर ट्रेड में वो चार्जेस होते हैं, उसमें टैक्स होता है, GST होता है, सेस होता है, एक्सचेंज एंड सेबी चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज होती है। तो एक पोजिशनल ट्रेडर तो बहुत कम ट्रेड लेता है, तो उसको ये चार्जेस का बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है, वो हार्डली महीने में एक या दो ट्रेड लेता है और पेशेंस का वेट करता है कि उसकी ट्रेड वर्क कर सके। नेक्स्ट है हमारा स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर दोस्तों आपको बताऊं तो वो मार्केट के स्विंग्स को प्ले करता है, मार्केट में स्विंग्स आते हैं, आप यहां पे देखेंगे इस चार्ट के अंदर कि मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये मार्केट स्विंग्स बनाता हुआ जा रहा है, यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, दैट मींस दीज आर द स्विंग्स ऑफ द मार्केट। तो इन स्विंग्स को प्ले करना स्विंग ट्रेडर कहलाता है। बाकी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज आ गई हैं और नई नई तरीके की स्ट्रेटजीज आ गई हैं, तो प्रैक्टिकली अब सब लोग ऐसे नहीं, सारे स्विंग ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि वो स्विंग्स को ट्रेड कर रहे हैं, अब लोग डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स में तो और भी स्ट्रेटजीज होती हैं, सो थोड़ा और जानते हैं स्विंग ट्रेडर के बारे में कि स्विंग ट्रेडर कैसे वर्क करता है। फोकस ऑन न्यूज एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगेन स्विंग ट्रेडर को पोजिशनल ट्रेडर की तरह फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बहुत, वो शॉर्ट टर्म के लिए आया है ट्रेड में, कुछ डेज से कुछ वीक्स के लिए आया है, तो उसको नहीं जानना कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसको तो टेक्निकल एनालिसिस करने हैं और न्यूज़ देखनी है। न्यूज़ भी ऐसा नहीं है कि सारे दिन टीवी लगा के न्यूज़ देखते रहनी है, मतलब उसके स्टॉक के रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज़ ना आए, उसके स्टॉक के रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज़ आए कि उसे फटाक से निकलना है या जल्दी से एंट्री करनी है, वो उस पर फोकस करता है और मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करता है कि उसको वो ये स्विंग्स को पहचानना, जो मैंने आपको स्विंग्स दिखाया अभी, ये टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है कि आप चाल पहचान रहे हैं कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है, उसकी चाल कैसी है, वो कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे जाके वो समय बिता रहा है, कहाँ से वो नीचे वापस आ रहा है, कहाँ से नीचे से वापस ऊपर घूम रहा है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, इनको ट्रेड करना एक स्विंग ट्रेडर का काम होता है। तो वो फंडामेंटल्स पे बिलीव नहीं करता, फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं करता, मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करता है और न्यूज़ पे एक ध्यान रखता है, क्योंकि वो स्टॉक में ट्रेड कर रहा है तो उसे ध्यान रखना पड़ता है कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि उसे उस पर रिएक्ट करना है या अपने स्टॉक से प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकलना है, तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत न्यूज़ पे भी ध्यान रखता है। मोस्टली ट्रेडिंग इज देयर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। अगेन स्विंग ट्रेडर को पूरा दिन तो बैठ के ट्रेड करना नहीं है, उसने आज ट्रेड किया, अब 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन या 1 महीना उसको वो ट्रेड चलानी है, अब पूरा बाकी टाइम क्या करेगा, वो बैठे बैठे कंप्यूटर स्क्रीन तो देखेगा नहीं, चार्ट तो देखता ही रहेगा, कंप्यूटर स्क्रीन देखता रहेगा, प्रॉफिट लॉस देखता रहेगा, तो कहीं ना कहीं इमोशंस में आके, फियर या ग्रीड के इमोशंस में आके वो अपनी ट्रेड को काट देगा, जल्दी या तो लॉस ले लेगा या जल्दी प्रॉफिट लेके निकल जाएगा।
तो वो उसका स्टाइल नहीं है। तो स्विंग ट्रेडर प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी जॉब उसकी कुछ और होती है। दोस्तों आप लोग भी अगर एक अच्छी जॉब में, अच्छे बिजनेस में है, तो कोशिश कीजिए पहले स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर की तरफ जाइए। फुल टाइम ट्रेडर की तरफ जाने से पहले आपको काफी कुछ सीखने को स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर की तरह मिल जाएगा। ओके, ऑलवेज लुक फॉर मोमेंटम और इवेंट्स। अब एक स्विंग ट्रेडर होता है ना, वो वेट करता है मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है कि किसी एक तेजी। ज्यादातर टाइम स्टॉक या इंडेक्स साइडवेज रहते हैं, ऐसे 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 एक ही लाइन में चलते रहते हैं। मोमेंटम तब होता है जब ऐसे ऐसे रुके और ऊपर 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 निकल गए, या फिर नीचे 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 निकल गए। तो इसे कहते हैं मोमेंटम, जब एक डायरेक्शन में एक स्पीड बनती है। तो स्विंग ट्रेडर को चाहिए होती है वो स्पीड, कि किस स्विंग में एंट्री करें जहाँ पे उसे स्पीड मिले और तब तक उस स्टॉक में रहे जब तक वो स्पीड बनी हुई है, मोमेंटम बना हुआ है, तब तक उस स्टॉक में रहे। जब मोमेंटम उसे फिनिश होता दिखे तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, या उसके अगेंस्ट चला गया तो लॉस बुक कर ले। तो ये हो गया मोमेंटम। दूसरा इवेंट्स। इवेंट्स भी होते हैं मार्केट में, आरबीआई पॉलिसीज आती है, बजट आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्टॉक मार्केट के इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्ट्रेटजीज होती है। कहीं में जो ऑप्शंस मोस्टली डेरिवेटिव्स पे चलती है वो स्ट्रेटजी, यहाँ पे आपको आप वोलेटिलिटी के साथ प्ले करते हैं, आप थीटा की वैल्यू को खाते हैं, या आप वेगा के साथ प्ले करते हैं। दोस्तों ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हो गए, ये मोस्टली ऑप्शंस के, जब हम जानेंगे ऑप्शंस को जानेंगे, डेरिवेटिव्स को जानेंगे, तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी समझाने जाऊंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और एक बिगिनर समझ भी नहीं पाएगा जब तक वो बेसिक नहीं समझ जाता। ठीक है दोस्तों, सो अभी के समझ लीजिए आप कि एक स्विंग ट्रेडर मोमेंटम और इवेंट्स के इवेंट्स पर फोकस करता है कि वहाँ पर वो किस तरह से अपनी कोई स्ट्रेटेजी लगाकर प्रॉफिट निकाल सके। More prepared because they always exposed to overnight risk. मैंने इसलिए कहा कि news देखता है एक swing trader, क्योंकि उसके वो overnight risk के लिए exposed है। एक positional trader है ना, उसने एक position बनाई लंबे time के लिए। एक आध रात में ऊपर नीचे होने से उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी position इस तरह से create होती है कि छोटे मोटे ups down उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये swing trader है, उसने कुछ दिनों के लिए trade बनाई है, कुछ हफ्ते के लिए trade बनाई है, तो उसके लिए तो बड़ी परेशानी हो जाती है अगर ओवरनाइट कोई बहुत बड़ा गैप डाउन और गैप अप हो गया। दोस्तों अगर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं पता है तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए ओवरनाइट रिस्क। और आपको ये सब छोटी छोटी बातें, ओवरनाइट रिस्क, गैप अप, गैप डाउन, लिक्विडिटी, ये सब नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए मेरी, ये सब बातें आपको क्लियर हो जाएगी। इन बेसिक को सीखे बिना आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, चाहे किसी से भी, कहीं से भी, मेरे से ही नहीं, किसी और यूट्यूबर से भी, तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों जब तक बेसिक्स नहीं पता, जब तक 1+1=2 होता है और 2+2=4 होता है, जब तक ये नहीं पता, तब तक आपको ये मैथमेटिक्स के बेसिक्स नहीं पता, तब तक आप बड़ी बड़ी इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और स्टॉक मार्केट अपने आप में एक इक्वेशंस है, आप बेसिक को समझिए और फिर एडवांस पे जाइए, फिर सोचिए पैसा कमाने का। एक स्विंग ट्रेडर को ऑलवेज प्रिपेयर रहना पड़ता है कि कोई भी बड़ा ओवरनाइट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है अगले दिन, कोई भी बड़ा ओवरनाइट रिस्क आ सकता है, कोई भी बड़ी न्यूज आ सकती है, कोई भी बड़ी हलचल मच सकती है स्टॉक मार्केट में, और उसको बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो उसको दोनों तरफ अपनी पोजीशन को इस तरह मैनेज करना पड़ता है कि उसका रिस्क कंट्रोल में रहे, उसका लॉस कंट्रोल में रहे। और उसकी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। उसके लिए एक स्विंग ट्रेडर हेजिंग का यूज़ करता है जो उसको अनलिमिटेड लॉस से सेव रखती है, इसलिए उसको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है स्विंग ट्रेडर। ओके, 5-7 ट्रेड्स इन अ मंथ। तो दोस्तों यह कुछ डेज से कुछ वीक के लिए ट्रेड बनाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रेड तो करनी नहीं, रोज़ एक ट्रेड तो लेनी नहीं, तो 5-7 ट्रेड इन अ मंथ इज मोर देन इनफ फॉर अ स्विंग ट्रेडर। उतना उसके लिए इनफ रहता है ताकि वो अपने बिजनेस, अपनी जॉब में फोकस कर सके, साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ी अर्निंग, एक साइड अर्निंग क्रिएट कर सकते, एक साइड इनकम क्रिएट कर सके। अब इंट्राडे ट्रेडर जो कि मैं हूँ मैं दोस्तों वैसे स्विंग और पोजिशनल भी करता हूँ, बट क्या है कि ट्रेडिंग इज माय प्राइमरी बिजनेस, तो मुझे पूरा दिन ट्रेड करना ही होता है, तो मैं इंट्राडे ट्रेडर भी हूँ। तो मैं वैसे तीनों तरह के ट्रेड करता हूँ, वही आप लगा लीजिए, मैंने बताया आपको पोजिशनल ट्रेड आपको एक या दो लेनी होती है महीने में, तो मैं एक आध ट्रेड ही लेता हूँ एक दो महीने के अंदर पोजिशनल ट्रेड। स्विंग ट्रेड अगर मुझे कोई ट्रेड अच्छी लगती है इंट्राडे ट्रेड, तो मैं उसको स्विंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैं उसको आगे लेके चल लेता हूँ, स्विंग ट्रेड हो जाती है। बाकी मोस्टली मेरा इंट्राडे ट्रेड पे फोकस रहता है कि मुझे आज क्या करना है, आज का टारगेट क्या है मेरा, आज मुझे कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है,
उसे इंटरनल ट्रेडर कहते हैं, जानते हैं और इंटरनल ट्रेडर के बारे में। कंप्लीट फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड चेंज इन डेटा। देखिए उसको इंटरनल ट्रेडर को तो बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देना होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल मौके पर घुसना है और मौके पर प्रॉफिट बुक करके निकलना है, और लॉस हो रहा हो तो फटाक से निकल लेना है, क्योंकि उसे रोज ट्रेड करना है, रोज प्रॉफिट और लॉस होगा उसका। तो उसको बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस पर रिलाई करना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस को समझना पड़ता है। एक स्किल्सफुल जॉब है इंट्राडे ट्रेडिंग, ईजी नहीं है, बहुत हेक्टिक होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारे इमोशन से आपको गुजरना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में चार्ट आपको ऊपर नीचे, कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर नीचे करके आपके दिमाग में बहुत सारे इमोशंस पैदा करता है, फियर दिखाता है, ग्रीड दिखाता है। तो उन सबको टैकल करते हुए सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करके एक इंट्राडे ट्रेड लेता है, और साथ ही साथ डेटा को फोकस करता है। अब अगर डेरिवेटिव्स यूज करता है तो डेरिवेटिव्स होते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, उसमें डेटा क्रिएट होते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं। तो उस तरह के डेटा क्रिएट होते हैं जो हम आके अपने एडवांस लेवल की ट्रेनिंग जब करेंगे तो उसमें हम जानेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए उस डेटा पे डिपेंड रहना पड़ता है एक इंटरनेट ट्रेडर को अपनी ट्रेड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ। मोस्टली ट्रेडिंग इज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। अब देखिए रोज सुबह उठ के आप 9 बजे अपना कंप्यूटर खोल रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, वैसे 9 बजे नहीं खोलना चाहिए, आदमी को 8 बजे ही खोल लेना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, पहले एक घंटा प्रिपरेशन को देना चाहिए। पर ठीक है, 9 बजे ट्रेडिंग के लिए बैठ रहे हैं और पूरे दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई और जॉब और बिजनेस तो नहीं कर पा रहे होंगे, और कर पा रहे होंगे तो फिर वो सेकेंडरी बन जाएगा, प्राइमरी तो नहीं बन जाएगा। या तो फिर आपका बिजनेस इतना रोबस्ट है, ऐसे सिस्टम से आपने बना रखा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है कि आपका बिजनेस आपका स्टाफ देख रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, आपका फोकस करना है ट्रेडिंग पे। जैसे दोस्तों मेरा भी एक बिजनेस है, मेरा ट्रैवल एजेंसी है, सो कुछ मैंने उसमें सिस्टम्स बना रखे हैं कि वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता उसको, वो स्टाफ मेरे मैनेज कर लेते हैं। उसी तरह से आपने अपना एक बिजनेस बना रखा है, साइड इनकम बना रखी है, साइड बिजनेस बना रखा है, वो चल रहा है, बट आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तो आपका ट्रेडिंग बन जाता है। बिकॉज इंट्रा ट्रेडर जब ट्रेड करता है, चाहे वो एक घंटे के लिए ट्रेड करे पूरे दिन में, लेकिन पूरे दिन चार्ट देख देख के वो कंज्यूम हो जाता है पूरी तरह से। स्टॉक मार्केट आपको लगता होगा कि ईजी है, जहाँ कुछ ही मिनटों में पैसा बन जाता है, बट उस कुछ डेफिनेटली कुछ मिनटों में पैसा बनता है, बट उन कुछ मिनटों के लिए कई घंटे कई दिनों की मेहनत होती है। लगातार चार्ट को देखना, समझना, ट्रैक करना शेयर्स को, फिर उसके बाद उसमें एंट्री करना मौका देख के, फिर आपको ग्रीड और फियर से लड़ना है कि नुकसान हो रहा है तो क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना है, मनी मैनेजमेंट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। एक इंटरनेट ट्रेडर को रोज ये सब चीज़ें करनी पड़ती है तो कंज्यूम हो जाता है, बहुत ज़्यादा दूसरे काम करने लायक बचता नहीं है वो। ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फिर ट्रेडिंग बन जाता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ 2-4-6 घंटे एक ब्रेक लेने के बाद, ट्रेडिंग से एक ब्रेक लेने के बाद 2-4-6 घंटे दूसरे काम को दे सकता है। 9 से 3:30 बजे तक अगर आपने ट्रेडिंग को दे दिए तो मेन वो आवर्स तो चले गए। तो इंट्राडे ट्रेडर का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग होता है, ये आप समझ लीजिए अभी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, टेक पोजिशन फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स। अब इंट्राडे ट्रेडर की जो पोजीशन होती है वो कुछ मिनट से कुछ घंटों के लिए होती है, क्योंकि मोस्टली 3:30 पे आपको स्क्वायर अप करनी होती है आपकी पोजीशन। आपने पोजीशन बनाई, आपने एक टारगेट डिसाइड किया, कुछ मिनटों में आ गया या कुछ आवर्स लग गए उसको आने के लिए, उससे ज़्यादा एक इंट्राडे ट्रेडर बैठता नहीं है। दोस्तों कई बार मेरी ट्रेड 15-20 मिनट में ही खत्म हो जाती है, मुझे फास्ट मूवमेंट मिलता है, प्रॉफिट होता है, मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देता हूँ। सो डिपेंड्स करता है मार्केट में मोमेंटम कैसा है, स्टॉक में मोमेंटम कैसा है, उस हिसाब से कुछ मिनटों से कुछ घंटों के लिए पोजीशन बनाता है एक इंट्राडे ट्रेडर। ऑलवेज लुक फॉर अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। आप देखिए इंट्राडे ट्रेडर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए वेट करता है बिल्कुल, क्योंकि तभी अच्छा मूव अच्छा मोमेंटम मिलता है। अगर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं पता है दोस्तों, मैंने इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी मार्केट जार्गन वाली वीडियो में कि एक ब्रेकआउट क्या होता है और एक ब्रेकडाउन क्या होता है। एक्सपोज टू स्क्रीन ऑल डे, दैट मीन्स एक इंट्राडे ट्रेडर पूरे दिन स्क्रीन के लिए एक्सपोज होता है। डेफिनेट दोस्तों ठीक है, ऐसा होता है कई बार हमें सुबह सुबह ट्रेड मिल जाती है, ट्रेड अच्छी चल जाती है, हमें दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है।
हर टाइम कि उसे कब अपॉर्चुनिटी मिले एंटर करने की और प्रॉफिट लेने की। अब उस अपॉर्चुनिटी उसको सुबह सुबह 9:15 पे मिल सकती है और लास्ट आवर में 2:30-3 o'clock के आसपास भी मिल सकती है। वो कुछ नहीं पता, वो सारे दिन बैठना पड़ता है उसको, उसको ढूंढते रहना पड़ता है, उसको देखते रहना पड़ता है कि मुझे कब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कब स्टॉक मेरी रेंज में आ रहा है, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आ रहा है। और बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं क्योंकि इस तरह देखते देखते इंसान कई बार फियर और ग्रीड के चक्कर में आ जाता है और उल्टी सीधी ट्रेड लेकर अपना नुकसान करा लेता है। तो एक इंट्राडे ट्रेडर पूरा दिन स्क्रीन के सामने एक्सपोज रहता है और वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करता रहता है, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे वो एंट्री या एग्जिट करता है। 40-50 ट्रेड्स इन अ मंथ, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एट एन एवरेज 2 ट्रेड तो एक दिन में हो ही जाती है। अब मैं अपने रिस्क को इस तरह डिवाइड करता हूँ, जो मेरा कैपिटल पे मेरा पर डे रिस्क की लिमिट है, पर डे लॉस की लिमिट है, उसको मैं 2 ट्रेड में डिवाइड कर लेता हूँ। तो अगर मेरी पहली ट्रेड सही चल गई तो मुझे दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहली ट्रेड नहीं सही चली तो मुझे दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत पड़ती है। कभी पहली ट्रेड बहुत बढ़िया चल जाती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देती है, तब भी मैं दूसरी ट्रेड की लालच में नहीं पड़ता हूँ। अगर सुबह सुबह ट्रेड मिल गई अच्छी और वो एंड तक चलती रही तो मैं दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। बट एट एन एवरेज 2 ट्रेड तो हो ही जाती है इंट्राडे ट्रेडर की, और महीने में 20-22 दिन की ट्रेडिंग होती है, तो 40-50 ट्रेड्स एवरेज एक इंट्राडे ट्रेडर लेता है। नेक्स्ट चलते हैं स्कैल्प ट्रेडर। स्कैल्प ट्रेडर बहुत छोटे टाइम के लिए ट्रेड करता है दोस्तों, स्कैल्पिंग होती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। कंप्लीट फोकस ऑन कैंडलस्टिक, ये देखिए ये कैंडलस्टिक होती है, उसको यही देखना होता है कि इस कैंडल के बाद ये वाली कैंडल फॉर्म हो सकती है, मोमेंटम आ सकता है, तेजी से यहाँ निकल सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो एंट्री और एक्सिट करता है। इसलिए कैंडलस्टिक को समझना एक स्कैल्प ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेक पोजिशन फ्रॉम सेकेंड्स टू मिनट। एक स्कैल्पर ना कुछ सेकंड से सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड में घुसता और निकलता है, बहुत फास्ट घुसता और निकलता है वो। उसको ट्रेड लेके बैठनी नहीं है घंटों तक के लिए, वो घुसेगा जल्दी से, अगर बिल्कुल लॉस हो रहा होगा जल्दी से निकल जाएगा, प्रॉफिट हो रहा होगा जल्दी से निकल जाएगा, उसे ही स्कैल्पिंग कहते हैं दोस्तों। लो प्रॉफिट ओवरऑल बिकॉज ट्रेडिंग कॉस्ट। और स्कैल्पर ना वैसे तो कुछ अच्छे ट्रेडर हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं स्कैल्पिंग से, जो अपनी स्कैल्पिंग की लिमिट जानते हैं, बट कुछ लोग हैं जो स्कैल्पिंग पूरे दिन करते रहते हैं। अब पूरे दिन आप स्कैल्पिंग करोगे तो आपकी ट्रेड की कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी। मैंने आपको पहले भी समझाया, जब आप एक ट्रेड लेते हो तो उसके अंदर ब्रोकरेज होती है, सेबी एंड एक्सचेंज चार्जेस होते हैं, GST होती है, सेस होती है, इन सब चार्जेस को मिला के कई बार स्कैल्पर इतनी सारी ट्रेड कर लेता है कि वो ले दे के प्रॉफिट तो कमा लिया बट कॉस्ट में ही सारा पैसा उसका निकल गया, ट्रेड कॉस्ट में ही उसको लॉस हो गया। वेरी स्किलफुल टू अलाइन देयर थिंकिंग विद एक्शन। स्किलफुल तो होना चाहिए दोस्तों, आपको पता है कुछ सेकंड्स में डिसीजन लेना है, मतलब आपने यहाँ सोचा वहाँ आपके हाथ ने बटन दबाया, वहाँ आप ट्रेड में घुसे, जैसे ही प्रॉफिट मिला जल्दी से एग्जिट किया, जैसे ही लॉस हुआ जल्दी से एग्जिट किया, मतलब इतनी फास्ट मूवमेंट आपको करनी पड़ती है, इतनी फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं कि स्किल की तो बहुत जरूरत है। मैं स्कैल्पिंग नहीं करता दोस्तों क्योंकि मेरे से नहीं की जाती, मैं तो थोड़ा पैटर्न बनने देता हूँ, वेट करता हूँ, बिल्कुल वेट करके आराम से जब पैटर्न मेरे हिसाब से बन जाता है तो मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ। कभी कभी स्कैल्पिंग कर भी लेता हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग आवर में स्किल्स, या फिर लास्ट के 3 o'clock के आसपास स्कैल्पिंग कर लेता हूँ कई बार मैं, क्योंकि वहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम आता है, वो भी डेज होते हैं कुछ जहाँ पे मैं करता हूँ। अदरवाइज स्कैल्पिंग बहुत बहुत सरदर्द वाली होती है, मैं तो अवॉइड करता हूँ, बट ठीक है स्कैल्पर्स हैं बहुत स्किलफुल होते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि कैसे वो इतने छोटे समय में इतना कुछ डिसीजन ले लेते हैं, एंट्री भी करनी है, एग्जिट भी करनी है, स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना है, टारगेट भी डिसाइड करना है, बहुत फास्ट और बहुत जल्दी करते हैं। सो स्किल्स की बहुत जरूरत है स्कैल्पिंग करने के लिए। आपको सुनने में आसान लगता होगा कुछ मिनटों में कुछ सेकेंड में पैसा कमा लिए, बट नीड्स वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल्स। नो ओवरनाइट रिस्क, जैसे इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं है और स्कैल्पर के लिए ओवरनाइट रिस्क है नहीं, क्योंकि कुछ मिनटों में ट्रेड लेके उसने ख़त्म कर देनी है। अब रात को कुछ भी होए, कहीं पे वॉर होए, कहीं पे सुनामी आए, कहीं पे कोई अच्छा हो जाए, उसके लिए कोई लेना देना नहीं है। तो सुबह आएगा और सुबह फिर अपनी कैंडलस्टिक के हिसाब से अपनी ट्रेड लेगा, कोई लेना देना नहीं है ओवरनाइट क्या हो रहा है। ये इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर दोनों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो ओवरनाइट रिस्क से एक्सपोज नहीं होते हैं,
उनके जो रिस्क होता है उनकी आंखों के सामने होता है, जो नुकसान होता है उनकी आंखों के सामने होता है, रातों रात कुछ बड़ा हो जाए इसका डर उनको नहीं रहता है। 80-100 ट्रेड्स इन अ मंथ हो ही जाती है दोस्तों स्कैल्पर की। स्कैल्पर को बहुत ट्रेड लेनी पड़ती है, 4-5 ट्रेड तो दिन की बहुत आम बात है, वो भी जो बहुत सोच समझ के ट्रेड लेता है उसके लिए, वरना स्कैल्पर की स्कैल्पर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हो जाती है। तभी मैंने बोला कई बार स्कैल्पर प्रॉफिट तो बनाता है पर उसका प्रॉफिट सारा चला जाता है ट्रेड कॉस्ट में, ट्रेड चार्जेस के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मैं समझाना चाह रहा था आपको किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है, आज मैंने आपको बताया कि ट्रेडर्स किस तरह के होते हैं, ताकि आप डिसाइड करें कि आपका बिजनेस और जॉब बहुत अच्छी है तो आप एक स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग चुन सकते हैं। आपको लगता है नहीं मुझे तो फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मुझे मार्केट में फुल टाइम उतरना है, तो आप पहले स्विंग से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे आप सीखते रहें फुल टाइम ट्रेडिंग में आ सकते हैं। या फिर आप फुल टाइम ट्रेडिंग में अगर आप अपनी जॉब या बिजनेस से टाइम निकाल पा रहे हैं तो एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेड तो करूंगा लेकिन इस टाइम स्लॉट के बीच में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मिलेगी तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं है। आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं। सो अब डिसीजन आपके ऊपर है, आपको किस तरह का ट्रेडर बनना है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए और समय लीजिए, ट्राई कीजिए, कभी इंट्राडे को भी ट्राई कीजिए, कभी स्विंग भी ट्राई कीजिए, कभी पोजिशनल भी ट्राई कीजिए, छोटे छोटे पैसों से ट्राई कीजिए, छोटे छोटे से पैसे ट्राई करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस तरह का माइंडसेट है, कि आप पेशेंस चाहते हो, ये ट्रेड ली बैठ गए महीना वीक्स के लिए बैठ गए, वीक्स टू मंथ्स बैठ गए तो ठीक है पोजिशनल आपके लिए अच्छी है। आपको लगता है नहीं मुझे स्विंग्स समझता हूँ मैं, मार्केट के स्विंग्स को पढ़ना मुझे आता है तो आपकी स्विंग ट्रेडिंग अच्छी है। आपको लगता है नहीं यार मुझे ओवरनाइट रिस्क नहीं चाहिए, मुझे हेडेक नहीं चाहिए कि रात को क्या हो रहा है, मुझे सुबह से शाम तक में प्रॉफिट या लॉस करना है, तो आप एक इंट्राडे ट्रेडर की तरफ जा सकते हैं, उसकी तरफ सीखने की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको लगता है यार कुछ नहीं है मुझे तो दिन में एक घंटा निकालना है, आधा घंटा निकालना है, कुछ स्कैल्प करनी है, प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाना है, तो आप स्कैल्पिंग की तरफ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव डिसीजन है, कोई इसमें आपको राय नहीं दे सकता, कोई आपको डिसीजन नहीं ले सकता आपके बिहाफ पे। मैं आपको समझा सकता था कि किस कैसे किस किस टाइप के ट्रेडर होते हैं और वो किस किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, उसके प्रोज और कॉन्स क्या है और उसमें किस तरह का माइंडसेट वर्क करता है, उसमें किस तरह के एनालिसिस वर्क करते हैं, वो मैंने आपको यहाँ बताया। अब इसको आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए और अपने डिसीजन पे आइए कि आपको किस तरह का ट्रेडर बनना है। अगर आपने अभी तक डिसीजन लिया कि आपको इन्वेस्टर या ट्रेडर में से क्या बनना है तो मेरा कल का वीडियो देखिए, तो आपको वो डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अब मेरा अलविदा कहने का समय है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।